भूपेंद्र यादव जी। सम्माननीय उपसभापति जी, जो फाइनेंशियल बिल लाया गया है, बजट के प्रावधानों का जो नीतिगत दस्तावेज सरकार ने तैयार किया था, उस नीतिगत दस्तावेजों को, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के जितने भी फाइनेंशियल टैक्स हैं उनमें अमेंडमेंट करके उनको इसके अनुकूल बनाया जाए कि सरकार ने देश के विकास के लिए जो अपना बजट का दस्तावेज पेश किया है उसके अनुरूप ही टैक्स के कानूनों में जो परिवर्तन लाए गए हैं और जो प्रावधान निश्चित किए गए हैं उसको इस फाइनेंशियल बिल में लाया गया है। और इसलिए जब फाइनेंशियल बिल की चर्चा हम सदन में करते हैं तो केवल फाइनेंशियल बिल में टैक्स प्रावधानों के संबंध में नहीं, बल्कि विगत 5 वर्षों में सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल करी है, सरकार ने देश के आर्थिक विकास का जो लक्ष्य तय किया है और आर्थिक विकास में जो सरकार ने अभी तक जो पड़ाव हासिल किए हैं उस पर आगे हम किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, उसका विश्लेषण और उसका एक रास्ता इस फाइनेंशियल बिल के माध्यम से किया गया है। महोदय, मैं एक विषय ये कहना चाहता हूँ कि देश के बजट में भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी और माननीय वित्त मंत्री जी के संबोधन में भी न्यू इंडिया की कल्पना की गई है। कुछ दिनों पहले सदन में जब चर्चा हुई थी तो सामने विपक्ष ये कहता था कि आप ये न्यू इंडिया कहाँ से कंसेप्ट लेकर के आए हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने भी आज़ादी के आंदोलन में नवजीवन, नव भारत और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्रों का उन्होंने प्रकाशन किया था। न्यू इंडिया का अर्थ स्वामी विवेकानंद ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने नई सदी के अनुकूल भारत की रचना के लक्ष्यों को निर्धारित किया था। और इसलिए इस बार के जो बजट में सरकार का जो नीति दस्तावेज आया है और विगत 5 वर्षों में भी सरकार ने जो नीतिगत विषय बनाए हैं कि बजट केवल फाइनेंशियल चीज़ों को का रीडिसबर्समेंट मात्र नहीं है, बजट जो है वो देश के ग्रोथ के रास्ते पे हम कैसे बढ़े उसके लिए बजट को निर्धारित किया गया था। और इसलिए बजट की 4 बातों को अगर विशेष रूप से देखा जाए जो इस बजट के अंतर्गत थी, उन्हीं के लिए फाइनेंशियल बिल में कुछ प्रावधानों को रखा गया है और मैं उन 4 बातों के संबंध में कहना चाहूँगा। पहला, देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक विषय है निवेश कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि देश के विकास की जो आवश्यकताएं हैं वो निवेश के माध्यम से तय होती हैं भारत। दूसरा, अगर हम देश में निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तो उस निवेश के अनुकूल हम कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, वो क्षमता निर्माण चाहे आधारभूत संरचना का विकास हो, देश की पॉलिसी में परिवर्तन हो, देश के लेजिस्लेशन में परिवर्तन हो, देश में नई व्यवस्थाएं खड़ी करने की बात हो, तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस कैपेसिटी बिल्डिंग में हम आगे कैसे ले जाए जा सकते हैं। और इसलिए बजट में, इस फाइनेंस बिल में, जहाँ सबसे पहले इस बात का प्रयास किया गया है, चाहे करदाताओं का विषय हो, चाहे डिजिटल इकोनॉमी के संबंध में विषय हो, चाहे GST के प्रावधानों को संशोधन करने का विषय हो, चाहे कस्टम के संबंध में सरकार के द्वारा कानून में परिवर्तन करने का विषय हो, चाहे देश में 16 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग बिजनेस के पैमानों को तय करने के लिए आवश्यक जो फाइनेंशियल बिल में जो परिवर्तन किए गए हैं, ये सब देश के निवेश को बढ़ाने के लिए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से पिछले 5 वर्षों के एक कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के काफ़ी प्रयास किए गए, चाहे राजमार्गों के निर्माण का विषय हो, चाहे गाँव में विद्युतीकरण का विषय हो, इन आधारभूत संरचनाओं का तो विकास किया ही गया, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए देश में उन कानूनों को भी लाया गया जिसके कारण हमारा देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे गया। देश में GST जैसा कानून पिछले एक कार्यकाल में आया, देश में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जैसा कानून पिछले एक कार्यकाल में आया, लेकिन हम केवल निवेश और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ इस बात का भी देश के आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए एक बजट में जो ध्यान दिया गया है कि नई प्रौद्योगिकी का जो न्यू टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को हम देश के विकास के साथ किस प्रकार से जोड़ सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन सब विषयों का, चाहे देश में निवेश बढ़ता हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इन सब का जो आधार है
देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, वो सबसे बड़ा ये है कि इन सब के कारण हम कितना ज़्यादा रोजगार का सृजन कर सकते हैं, ताकि नई इंडिया में भारत की नई जनरेशन को भारत निर्माण के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया जाए, अवसर उनके लिए उपलब्ध कराए जाए। और इसलिए मैं इस फाइनेंस बिल में आने से पहले बहुत संक्षेप में, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, और पिछली बार जब बजट की डिबेट भी यहाँ पर हुई थी तो एक विषय बार बार हमेशा ये रहता है कि देश में पिछले 5 वर्षों में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ और इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के कुछ परिणाम भी हुए। पहला विषय जो पूरे भारत का पिछले एक कार्यकाल के बाद, अब जब इस सरकार को दूसरा कार्यकाल मिला है तो दुनिया में सब इस बात को मानने लगे हैं कि एक कार्यकाल को पूरा करने के बाद इस दूसरे कार्यकाल में देश में व्यापक आर्थिक रूप से स्थिरता आई है। दुनिया में जिस प्रकार से वर्ल्ड की जीडीपी 3.6% थी, लेकिन भारत ने अपनी पॉलिसी के कारण, भारत ने अपने विकास और आर्थिक विषयों की निरंतरता के कारण एक आर्थिक स्थिरता के मानदंड को प्राप्त किया है। दुनिया के देशों को भी ये लगता है कि भारत में अगर निवेश को बढ़ाया जा सकता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में आज इस प्रकार का एक राजनीतिक जन समर्थन सरकार को मिला है कि सरकार जो भी परिवर्तन के रास्ते पे, भारत को आगे बढ़ाने के रास्ते में, निवेश के रास्ते में, पॉलिसी के स्तर पर जो निर्णय ले रही है, उसमें एक आर्थिक स्थिरता का जो रास्ता है वो सबसे बड़ा पिछले एक कार्यकाल में हुआ है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा कारण है कि आप किसी भी देश में केवल विकास को ऐसा नहीं कह सकते कि वो विकास असमान हो। विकास का अर्थ ये होता है कि विकास में समानता हो, विकास में जो सबसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे गरीब व्यक्ति खड़ा है, उसके जीवन में भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो, और जो सबसे ऊंची पायदान पे है उन दोनों के बीच में विषमता कम हो। हम कोई भी ऐसा आर्थिक विकास कभी भी मंजूर नहीं कर सकते जिसमें आर्थिक विषमता हो। संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का फेयर डिसबर्समेंट, इसकी आवश्यकता बहुत है। और जो सबसे बड़ी बात हमारे देश के आर्थिक विकास को रोके रही कि देश की आबादी का एक हिस्सा मूलभूत सुविधाओं के साथ वंचित रहा, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। और मैं ये मानता हूं कि आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ वो आधार जैसा कानून ला करके गरीब आदमी तक पारदर्शी तरीके से उसके संसाधनों को उस तक पहुंचाने का काम, ये सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म इसके देश के अंतर्गत हुआ। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी बात एक कार्यकाल में इस देश के आर्थिक विकास में हुई है कि सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण केंद्रित योजनाएं हैं, उन गरीब कल्याण केंद्रित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से एक टाइम लिमिट के अंतर्गत पूरा किया गया। और यही कारण है कि आधार कानून लाने के बाद आज सरकार इस बात को बड़े गर्व के साथ कहती है कि 90% से ज्यादा लोग इस आधार के अंतर्गत आज इस कवर हुए हैं। और उसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि सरकार की इस समयबद्ध तरीके से जो योजनाएं कही गई हैं, जो भी आप बनाई गई हैं पिछले एक कार्यकाल में, उसमें भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंक्लूजन का कार्य हुआ है। देश में जब जनधन खाते खोले गए थे तब ये कहा गया था कि ये जनधन खाते जो हैं ये किस प्रकार से चल सकते हैं, जनधन खाते से गरीबों का क्या लाभ होगा। लेकिन पिछले एक कार्यकाल में जो मैंने अपने विषय के प्रारंभ में ये कहा था कि ना केवल सरकार ने गरीब कल्याण योजनाओं को केंद्रित किया था बल्कि उसे समयबद्ध तरीके से पूरा भी किया है। 33 करोड़ जनधन खातों में पिछले एक कार्यकाल में देश की 370 केंद्रीय योजनाओं में 55 मंत्रालयों से संबंधित योजनाओं का सीधा वितरण गरीबों के हक में होकर गरीब लक्ष्य केंद्र को एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया, और ये देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंक्लूजन का प्रोग्राम था। उसके साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं का विकास, अप्रैल 2018 में, ये बहुत कम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में पहले भाषण में कहा था कि भारत का हर गांव बिजली से जुड़ेगा, और अप्रैल 2018 में उस आधारभूत विकास को प्राप्त किया गया। और इसके साथ ही साथ सरकार ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रखा, और 14th फाइनेंस कमीशन में राज्यों का जो प्रतिशत है वो 32% से बढ़ा करके 42% किया गया। जीएसटी और नीति आयोग जैसे विषयों को लाकर के
देश के आर्थिक विकास को एक गति दी गई। और इसलिए आज जब हम ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था स्थिरता के बिंदु को प्राप्त हुई है, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को ये बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस फाइनेंशियल बिल के माध्यम से बजट में जो उन्होंने कहा था, सबसे पहली बात कि देश के करदाताओं को प्रोत्साहन देने की बात कही है। मैं जब यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक मैसेज ये गया है कि सरकार के एक कार्यकाल में विकास के लिए हमने लगातार एक आर्थिक स्थिरता के रास्ते को पकड़ा है। मार्च 2015 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अपना बजट रखा था और उस समय उन्होंने बजट को रखते हुए ये कहा था कि दुनिया में जिस प्रकार से कॉरपोरेट टैक्स है, उस कॉरपोरेट टैक्स को हम कम करेंगे। और उस समय कॉरपोरेट टैक्स को कि जो 250 करोड़ रुपए के जो कारोबार वाले थे उनको 25% की न्यूनतम दर को के साथ लागू किया गया था। मैं वर्तमान वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने उस जो सरकार की नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसमें 400 करोड़ तक की कंपनी आई है और इस प्रकार आज हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने 2015 से जिस विकास की निरंतरता के विषय को आगे बढ़ाया था, आज उसमें 99.3% कंपनियों को शामिल किया गया है, जो ये बताता है कि आर्थिक मामले में और विकास के मामले में हम एक निरंतरता के साथ काम करने वाली सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देश में आवासीय क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लिए सस्ते आवास की खरीदने को प्रोत्साहन देने के लिए इस फाइनेंशियल बिल में 2 लाख की जो मौजूदा सीमा है उसको बढ़ा करके 3.5 लाख रुपये किया गया है। और वास्तव में ये जो मध्यम वर्गीय वर्ग है, जो आज नए नए शहरों की तरफ बढ़ रहा है, जो नौकरी करने वाला वर्ग है, उसको इस फाइनेंशियल बिल में काफ़ी ज़्यादा एक सहायता देने का या मौजूदा समय सीमा को बढ़ा करके उनको सस्ते ऋण में उपलब्ध ब्याज की कटौती को 2 लाख की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 3.5 लाख करके उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा देने का कार्य इस बजट के अंतर्गत किया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अपने फाइनेंशियल बिल में जो सबसे बड़ी बात करी है कि हमने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दिया है। भारत की अवधारणा में, भारत में जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे व्यापार हैं, MSME क्षेत्र हैं, उनको तो बढ़ाने का काम किया ही है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया में सरकार ने स्टार्टअप में भी जो एंजल टैक्स है उसमें उसकी जो विसंगतियां हैं उसको भी इस फाइनेंस बिल के माध्यम से समाप्त करने का काम किया है। और हम देश में कारोबार को बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ लोकसभा में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था, हमने ईज ऑफ लिविंग बिजनेस को भी बढ़ाने का, उसके लिए भी इस देश के करदाताओं को, चाहे वो रिटर्न भरने का विषय हो, चाहे करों के विवाद को समाधान करने का विषय हो, चाहे फेसलेस ई रिटर्न जो है वो फेसलेस करके लोगों को ये दिक्कत आती थी और लोगों को ये लगता था कि भारत में अगर ईज ऑफ लिविंग चाहिए तो सबसे पहले जो एक शब्द चल गया था कि टैक्स टेररिज्म, उसको सरलीकृत करना, उसमें एक तरीके से सरकार ने डिजिटल विषयों को आगे बढ़ावा देकर के इस बात का प्रयास किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये जो फेसलेस ऑडिटिंग करके एक योजना को सरकार ने किया है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से कई बार हमें लगता था कि टैक्स के विषयों को के कारण एक जो व्यक्ति को या व्यापारी को परेशानी होती है उसको निजात दिलाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले एक कार्यकाल के दौरान आया। आज सदन में जो लोग नहीं हैं उन्होंने आज ही नहीं इतिहास के एक बड़े अवसर को भी खोया था। और इतिहास के बड़े अवसर को तब खोया था जब इस देश में हमने हमारे देश के संविधान में कहा था, हम सामाजिक न्याय सबको प्रदान करेंगे, हम आर्थिक न्याय सबको प्रदान करेंगे, हम राजनीतिक न्याय सबको प्रदान करेंगे। आर्थिक न्याय के लिए एक सहकारी संघवाद का नया विषय आया था जब इसी सदन के अंदर सेंट्रल हॉल में GST को लागू किया गया था, तब भी वो बायकॉट कर गए थे। आज भी जब देश के ग्रोथ की बात आ रही है तो हमारे साथी उपस्थित नहीं है, लेकिन देश के विकास की निरंतरता का और जो GST का जो एक परिवर्तन हम लोग लेकर के आए हैं, वो GST काउंसिल ने काफ़ी सारे नियमों को संशोधित करके देश के व्यापार की सुगमता को बढ़ाने का प्रयास किया है। और इस फाइनेंशियल बिल में भी जो कंपोजिशन और अन्य डीलरों के लिए सरलीकृत रिटर्न और भुगतान की आवश्यकताओं को
जो करदाताओं के लिए जो कर का त्रैमासिक भुगतान जो था उसको वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना और निर्दिष्ट करदाताओं को प्रस्तावित नई रिटर्न प्रणाली के तहत तिमाही या मासिक रिटर्न और करों के भुगतान के लिए विकल्प देने का प्रावधान किया गया है। CGST अधिनियम की जो सेक्शन 39 में संशोधन किया गया है, ये मेरे को लगता है कि फाइनेंस बिल में जो छोटे व्यापारियों को जो प्रोत्साहन देना है उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये बहुत बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। GST में चाहे माल के आपूर्तिकर्ता के थ्रेशोल्ड सीमा में वृद्धि करने का प्रयास वृद्धि करने का प्रस्ताव जो किया गया हो, चाहे जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं उनके लिए कंपोजिशन योजना की बात की गई हो, और चाहे सबसे बड़ी बात है जो डिजिटल बहिक आता है उसको बढ़ाने के लिए संशोधन की बात की गई हो, जो भी इस माल सेवा कर में जो GST में सेक्शन 39 में सेक्शन 22 में सेक्शन 10 में जो परिवर्तन इस फाइनेंस बिल के माध्यम से लाए गए हैं, मुझे लगता है कि वो देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए और देश में विकास के मार्ग पर आगे लेने के लिए ये एक बड़ा प्रावधान करने का प्रयास किया गया है। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने इस देश में मेक इन इंडिया के लिए और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कस्टम के संबंध में जो विषय उठाए हैं उनको मैं वापस से दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस फाइनेंस बिल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषय हुए हैं जिनके बारे में भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस फाइनेंस बिल में विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में सुधार करने के लिए काफ़ी सारे प्रावधान किए हैं जो उनके इस कार्य के लिए उनका हम स्वागत करते हैं। दूसरा एक जो सबसे बड़ा विषय है और जिसके लिए राजनीतिक रूप से एक संकल्पवान सरकार होने के नाते हम लड़ते रहे हैं, हमने जहाँ पर आम और गरीब आदमी को उसके संसाधन उपलब्ध हो उसके लिए गरीब कल्याण योजनाएं हों, लेकिन जो गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार और काला धन होता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो भ्रष्टाचार किया जाता है, ये जो काला धन इकट्ठा किया जाता है, ये वास्तव में गरीब का शोषण करके ही काला धन और भ्रष्टाचार खड़ा किया जाता है। हमारी सरकार में आने के बाद पिछले एक कार्यकाल में एक लंबे समय से जो काले धन की लड़ाई को लड़ने का विषय था उसको करने का काम किया है। बेनामी संपत्ति कानून और बाकी सारे कानूनों को लाने का प्रावधान किया है, और इसलिए इस फाइनेंस बिल में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि बेनामी संपत्ति के लेन देन के अधिनियम में काला धन और अघोषित विदेशी आय और संपत्ति के संबंध में और उसके साथ साथ जो परिवर्तन इस समय देश में काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो करने चाहिए वो उन्होंने इस फाइनेंस बिल में उन सारे प्रावधानों को रखने का प्रयास किया है। उसके साथ ही साथ देश में अर्थव्यवस्था पारदर्शी तरीके से हो इसके लिए पैन और आधार का जो कंपल्शन वो फाइनेंस बिल में जो लेकर के आए हैं, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने बजट के एक दस्तावेज को रखा था उसको पूरा करने के लिए पैन और आधार के कंपल्शन को लागू किया है। करदाताओं के लिए ईज ऑफ लिविंग के लिए जो प्रावधान वो लेकर के आए हैं उसका भी, और विशेष रूप से सबका विश्वास लीगेसी विवाद समाधान योजना जो वो लेकर के आए हैं, और जो कैशलेस, जो मैंने पहले भी दोहराया है, इनकम टैक्स के लिए जो कैशलेस ऑडिटिंग की जो व्यवस्था लेकर के आए हैं वो देश के बजट प्रावधानों को एक तरीके से मजबूती देने वाला विषय। माननीय भूपेन जी, और दो स्पीकर से आपकी पार्टी, मैं 2 मिनट में अपना विषय समाप्त कर लेता हूँ, वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रावधान वो लेकर के आए हैं। महोदय, मैं चूंकि समय की मर्यादा सबके लिए है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं एक अपने विषय को कहते समय इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहली बार अगर हमारे देश का जो बजट था उस बजट में काफ़ी सारे बिंदुओं को लिया गया था। मैं केवल उन बिंदुओं की दृष्टि से कहना चाहूँगा कि देश में रियल इस्टेट सेक्टर में हम रेरा जैसा बिल लेकर के आए थे, और इस बजट के प्रावधानों में माननीय वित्त मंत्री जी ने किराया रेंटल हाउसिंग के लिए एक कानून लाने की बात कही थी। देश में बढ़ते हुए जल संकट के लिए जल शक्ति मंत्रालय, उच्च शिक्षा का विषय, श्रम सुधार का विषय, स्त्री पुरुष समानता का विषय, जो स्वयं सहायता समूह है उनको ओवरड्राफ्ट देकर उनको मजबूती देने का विषय, मुद्रा लोन का विषय, और सबसे NBFC का जो विषय है, इस देश का जो सबसे बड़ा संकट है, जो छोटे हमारे बैंकिंग प्रावधान वाले जो संस्थान है उसके लिए वो सारा विषय लेकर के आए थे।
और उन सारे विषयों को उन्होंने अपने इस फाइनेंशियल बिल के माध्यम से बहुत सारे विषयों को उन्होंने संबोधित करने का प्रयास किया है। मेरा यह मानना है कोई भी अर्थव्यवस्था और कोई भी आर्थिक तंत्र तब तक सुचारू नहीं चल सकता है जब हम उसको सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों से नहीं जोड़ सकते हो। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों से जोड़ने का क्या अर्थ है? मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड का अर्थ है कि हम स्त्री पुरुष समानता में विश्वास करें, और इसलिए इस बजट में उन्होंने नारी से नारायणी का जो विषय रखा है कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश में केवल कृषि ना हो, कृषि उद्यमी बनने के लिए, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम आगे बढ़े। हमारे देश में एमएसएमई के लिए विशेष जो प्रावधान किए हैं उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा स्वच्छता और आयुष्मान जैसे योजनाओं को बजटों में किया है। मैं महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सरकार वो सरकार है जिसने केवल लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया है, लक्ष्यों को समय के साथ पूरा करने का काम किया है, और इसलिए इस फाइनेंशियल बिल के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के अपने जो बजट है और बजट के द्वारा भारत को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उसके लिए व्यवस्थागत सुधार करने का विषय के लिए, उसके लिए आवश्यक जो फाइनेंशियल संशोधन का विषय माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो फाइनेंशियल बिल में रखा गया है, मैं ये मानता हूँ ये भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान वो लेकर के आई है, और मैं सारे सदन से कहना चाहूँगा कि हम सर्वानुमति से इस फाइनेंशियल बिल का समर्थन करें ताकि भारत एक समतायुक्त समाज के रूप में एक ऐसा भारत बने जिसमें विषमता कम हो, जिसमें हर आदमी को विकास के अवसर उपलब्ध हो, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, और जिसमें समाज के सभी वर्गों में समानता स्थापित हो। इन सब के लिए जो बजट का दस्तावेज और उसके समर्थन में फाइनेंशियल बिल आया है, आज फाइनेंशियल बिल हमारे सामने है, उसको पारित करने के लिए हम सब लोग अपना समर्थन दें। धन्यवाद। धन्यवाद।